ये दारू बहुत हानिकारक चीज है। अब नहीं। सो गाइस मैंने इनसे दारू ले ली है, ये तो मेरे पीछे पड़ चुके हैं गाइस, ये तो दारू लेके मेरे पीछे पड़ चुके हैं गाइस, मुझे भागना पड़ेगा गाइस। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस कैसे हैं आप सभी लोग, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, होपफुली आप सब भी अच्छे होंगे। सो गाइस अभी टाइम हो रहा है 5:30 और मैं मॉर्निंग में उठ चुका हूँ और आज निकल का एग्जाम है, तो निकल का एग्जाम दिलवाने जाते हैं। सो अभी रेडी वगैरह हो जाता हूँ फिर निकलते हैं यहाँ से, सीधे सेंटर में मिलता हूँ आपसे। सो गाइस देख सकते हो निखिल का एग्जाम सेंटर कहाँ पे पड़ा है, ये पूरा भूत बंगला है। गाइस निखिल तो जा चुका है एग्जाम सेंटर में पेपर देने और गाइस हमें करना पड़ेगा उसका वेट। सो वेट करते हैं उसका, और कोई ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास। तो गाइस हम आ चुके हैं इंदौर के सबसे फेमस चीज़ खाने, पोहा जलेबी। ये इंदौर के आपकी हर गलियों में मिल जाएगा आपको पोहा जलेबी। तो गाइस इसका कम्बाल का कॉम्बिनेशन बना रखा है पोहा का और जलेबी का, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा। गाइस निकल गया, एग्जाम हो गया ख़त्म और हम जा रहे हैं राजवाड़ा पैलेस, क्योंकि आज हम सोचे राजवाड़ा पैलेस विजिट करें, वहाँ घूमें पूरा शाम तक वापस, और फिर कल जाएँ महाकालेश्वर के लिए, क्योंकि सजेस्ट किया है लोगों ने कि लेट हो जाएगा जाने जाते जाते ही। हम आज ही जाने वाले थे लेकिन कल जाएंगे अब महाकालेश्वर, और आज पहले चलते हैं राजवाड़ा पैलेस, तो वहाँ जाकर आपको दिखा दूँ। तो गाइस पहुँच चुके हैं हम राजवाड़ा पैलेस, जो कि पीछे आप देखते हो पीछे दिख रहा होगा, तो आपको दिखाता हूँ अंदर जाके राजवाड़ा पैलेस कैसा है। तो राजवाड़ा पैलेस में अभी काम चल रहा है, तो एंट्री आगे से है इसकी। तो सो गाइस कुछ इस तरह का एंट्री गेट है यहाँ पे, और लेफ्ट हैंड साइड पे है भोले बाबा की एक मूर्ति, और इसके मेन सेंटर पे है गणेश जी की एक मूर्ति। और इसके दोनों साइड पे है नटराज भगवान की मूर्ति, और इसके अंदर चलते हैं पैलेस के, पैलेस बहुत ही प्यारा बना रखा है। और यहाँ पे पैलेस के बीचों बीच एक तुलसी के लिए वो बना रखा है, तुलसी पौधे के लिए। दिख रहा है आपको ये दोनों साइड भाले रखे हुए हैं, और ये इनकी हाइट कितनी है, और इन भालों को देख के लगता है इनका वेट कितना होगा यार, पहले के बंदे कैसे उठा के। दोनों साइड से भाले रखे हुए हैं और बीच में शिव जी की मूर्ति।
यशवंत राव होलकर। ₹10 एंट्री है ऊपर जाने के लिए, सो ऊपर चलते हैं। इसमें कुछ पुरानी मूर्तियां रखी हुई हैं। यहाँ पर लिखा हुआ कीप साइलेंस। और ये बंदूक कितनी पुरानी है, ये है कार 98, ये कार 98 है। ये पुरानी तिजोरी, ये है कोठी जो कि ट्रंक भी कहते हैं कुछ लोग। तपेली, कुछ चाय की तप कढ़ाई। ओ गाइस, ये हमारी फेवरेट चीज़ आ गई यहाँ पे, ये तलवार। और सो गाइस, ये कितनी पुरानी तलवारें हैं राजाओं महाराजाओं की। ये देख उनके टाइम की तलवार, ढाल, ये तलवार और ढालों के लिए। अपने पुराने मूवीज में देखा होगा डोली, तो ये वही डोली है जिसमें दुल्हन अपने ससुराल आती थी। सो ये रानी महारानी आती थी। सो गाइस, इस फोटो के जरिए बहुत कुछ समझाने की कोशिश करी गई है। ये है गाइस पालकी। तो कितनी पुरानी है, इस तरह का था राजवाड़ा पैलेस जो कि हमने पूरा कवर कर दिया, जो कि आपने वीडियोस वगैरह में देखा होगा। सो अब यहाँ पे गार्ड भैया ने बताया कि यहाँ पे पास में शीश महल भी है, तो वहाँ चलते हैं। शीश महल हमारे पास बहुत टाइम है, आज पूरा दिन है हमारे पास घूमने के लिए, क्योंकि आज ही हमें घूमने के लिए यहाँ पर टाइम है। कल हम निकल जाएंगे इंदौर से, कल जाएंगे सीधा महाकालेश्वर जी के दर्शन करने, और अब चलते हैं शीश महल, बाकी घूम लिया यहाँ पर। देख सकते हो सारी दुकानें ज्वेलर्स की हैं, और कोई दुकानें यहाँ पे नहीं दिख रही। बंदे से पूछा है यहाँ पे इतने सारे ज्वेलर्स क्यों हैं, तो उन्होंने बताया कि इसे सराफा कहते हैं, सराफा मार्केट है, इसलिए यहाँ पे इतने सारे ज्वेलर्स हैं। बाकी ये पूरा मार्केट एरिया है, पूरा मार्केट है। सो अब पहुँचने वाले हम शीश मंदिर, तो वहाँ पहुँच के आपको वहाँ का व्यू दिखा दें। पहुँच चुके हैं शीश मंदिर। यार हर जगह कंस्ट्रक्शन चल रहा है, अभी अंदर जाते हैं को दिखाता हूँ। आई थिंक ये पूरे शीशे का मंदिर है, अंदर जाके दिखाता हूँ। अंदर मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है, सो हमें बाहर ही रखना पड़ेगा। अंकल ने पहले ही मना कर दिया कि मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है। कुछ ऐसे दिखता है ये मंदिर अंदर से, और बढ़िया है। सो गाइस, मैं आपको बहुत रिक्स पे दिखा रहा हूँ, अंदर कैमरा ले जाना मना है। ये पूरा शीशे की गाड़ी चल रही है। इतना घूमना था, हमने घूम लिया है, अब हम जा रहे हैं सीधा अपने घर। और पहले बस पकड़ते हैं यहाँ से, मेन रोड से बस मिलेगी, सीधा बस पकड़ते हैं और फिर निकलते हैं अपने घर।
आपको बता दूं गए कमाल के सिंगर जो कि बहुत ही अच्छा गाना गाते हैं। महादेव पर महादेव को देख ला बिल्कुल गाना सुना दे। ओ भर दो खाली जी झोली भर दो खाली जी बोले बाबा। बहुत ही अच्छा गाना गा रहे हैं, बस पढ़ कितना है कि ये पीके गा रहे हैं। ओ पन बोले बाबा जी भर दो झोली। क्या पी रखा है? महादेव भर दो झोली। गाइस इन लोगों ने बहुत ही भयंकर नशा स्टार्ट कर दिया है इंदौर में, जो कि मैंने पूरी तरह से एक्सप्लोर कर दिया है। मन बोले बल्डा की तेरा भरोसा भाई। बोले बाबा जी भर दो झोली काली जी। बहुत ही भयंकर नशा है, बहुत ही भयंकर नशा कर रखा है। आप जो रोड के साइड पे ऐसे नशा करके बैठे हो। ओ डमरू बस साफ गले में हाथ में दिख चुका है इन्होंने क्या पिया है, तो आप दिखा सकते हो ये बोतल। अरे राधा मन ये आप इतनी दारू पी रहे हो देश। सत्यम शिवम सुंदर ये दारू बहुत हानिकारक चीज है। अब नहीं। सो गाइस मैंने इनसे दारू ले ली है। अगर आपको भी कोई ऐसे पियक्कर मिले इन रोड, तो इनको दारू अगर इनके हाथ में, तो उनसे पहले दारू छीनू, दारू नहीं मिलेगी भाई। नहीं सो गाइस मैं दारू लेके जा रहा हूँ, मैं फेंक देता हूँ, गलत काम नहीं। तो गाइस ये तो दारू पी के बहुत ज्यादा तो गाइस ये तो मेरे पीछे पड़ चुके हैं। गाइस ये तो दारू लेके मेरे पीछे पड़ चुके हैं। गाइस मुझे भागना पड़ेगा, बहुत गलत चीज है गाइस। अगर आपको भी ऐसे दारू आज मिले, तो सबसे पहले उनसे दारू छीन ले। तो गाइस देख सकते हो वहां जा रहा हूँ, ये बहुत ही बेकार चीज है गाइस। देखो क्या हालत हो रखी है उस बंदे की। सो गाइस मैंने उसकी दारू की बोतल ले ली थी और नीचे भी फेंक दी है, जो कि आपने देखा होगा। सो गाइस अगर वो दारू अगर उसने पीने देता, तो इनकी क्या पता वो दारू और ज़्यादा पीने के बाद और नज़र नशे में आ जाता, फिर एक्सीडेंट वगैरह हो सकता था उसका। तो मैंने पहले ही से वो नशे में था, तो मैंने दारू उसकी फेंक दी है। अब यार जितना मैं समझा सकता था वैसे ही वो नशे में, कुछ समझने वाला तो है नहीं। सो मेरे जो समझ में आया मैंने वो किया। सो गाइस मिल चुके हैं इतने सारे सब्सक्राइबर्स। हेलो गाइस, क्या करना है मेरे चैनल पे? सब्सक्राइब। सो गाइस इंदौर का प्यार है ये, और अब निकलते हैं, ये लास्ट डे हमारा इंदौर का। सो कल मॉर्निंग में हम निकल जाएंगे महाकालेश्वर के लिए। अब नाइट वॉक हो गई हमारी, और इस वीडियो को करता हूँ मैं यहीं पे एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग मी।